नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि मां दुर्गा इस बार केवल 8 दिनों के लिए ही आई हैं, लेकिन उनका स्वागत तो धूमधाम से हुआ। हालांकि हर साल की तरह इस साल मेले की धूम तो देखने को नहीं मिलेगी, मगर कोरोना के बीच इस बार पंडाल लगाने वालों को छूट मिली है, जिसके तहत कई जगहों पर पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इस बार भी पंडाल नहीं देखने को मिलने वाला है। हर साल तो ऐसा मंजर रहता था कि राजधानी पटना में पंडालों के बीच कंपटीशन का माहौल रहता था कि किसने कितनी बेहतरीन पंडाल लगाई है, लेकिन इस बार वो रौनक नहीं देखने को मिलेगी और वर्तमान माहौल को देखते हुए यह निर्णय सही भी है। ऐसे में अब मां दुर्गा के स्वागत के साथ साथ उनकी उपासना में बिहार के सभी भक्तगण लीन हो गए हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने जिस हिसाब से पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है, वैसे ही नियम मां की विदाई को लेकर भी लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत यदि आपने गंगा या उससे जुड़ी किसी सहायक नदी में मूर्ति विसर्जन की योजना बनाई है तो आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने मूर्ति का विसर्जन गंगा या उससे जुड़ी किसी सहायक नदी में किया तो इसके परिणाम स्वरूप आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसको लेकर बिहार सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए राज्यों में विभिन्न बिंदु वाला दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें मूर्ति विसर्जन करने पर ग्रामीण इलाकों में 5,000 का आर्थिक दंड तो शहरी क्षेत्र में नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में वसूला जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग पॉल्यूशन बोर्ड की सिफारिश पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर सीएम नीतीश ने गजट का भी प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने मूर्तियों पर भी बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदूषण ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए मूर्ति निर्माण घुलनशील पदार्थों से करना होगा, जिससे मूर्ति विसर्जन के बाद आसानी से पानी में ये घुल जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सुंदरता और भव्यता की चाहत ने हमें मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं की तरफ मोड़ दिया है। गणेश और दुर्गा की इन प्रतिमाओं को तालाबों में विसर्जन किया जाता है। पीओपी से बनी प्रतिमाएं न सिर्फ जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा है, बल्कि वातावरण भी दूषित करती है। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अघुलनशीलता को देखते हुए इस पर पाबंदी लगाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिससे एक बात तो साफ है कि दुर्गा पूजा में भले ही पंडाल लगाने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन विसर्जन के मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ पानी में रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित रहे। जिसके बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन हर कोई करे और प्रदूषण को दूषित करने का काम ना करे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।